हेलो स्टूडेंट दिस इज़ पंकज धीमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एसबीएस लॉ कॉलेज श्री गंगानगर वी आर स्टडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन आर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ लेजिस्लेशन वट आर द वेरियस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन वाई द लेजिस्लेशन इज़ मोर यूजफुल दैन द प्रजिडेंट एक्सप्लेन तो आपके पास अब जो आप पढ़ने वाले हों वो है प्रिंसिपल्स ऑफ द लेजिस्लेशन विधान पालिका के जो सिद्धांत हैं जो प्रिंसिपल्स हैं जो रूल्स हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे देखिए लेजिस्लेशन जो होता है वो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट के बेसिकली तीन ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है लेजिस्लेशन जो है गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए है क्योंकि देश के लिए जितने भी लॉ मेकिंग फंक्शन होते हैं यही परफॉर्म करता है तो लॉ को बनाने का काम जो है वो विधान पालिका करती है लेजिस्लेशन करती है तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर यही समझना है कि लेजिस्लेशन है क्या और कितने टाइप के लेजिस्लेशन हो सकते हैं और लेजिस्लेशन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है और ये प्रेसिडेंट से ज़्यादा यूजफुल क्यों है प्रेसिडेंट यू नो वेरी वेल कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन है हायर uh, कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं सिमिलर फ्यूचर केसेस में तो प्रेसिडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लेजिस्लेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मेकिंग ऑफ लॉ ये आप यहां पर देखेंगे देखिए लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ दिस इज द ओनली सोर्स दैट क्रिएट द न्यू लॉज एंड हैज़ एबिलिटी टू रिपील ओल्ड लॉ एंड मेक चेंज एंड द मोडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ तो जो आपके पास लेजिसलेशन एक ऐसा सोर्स है जो कि न्यू लॉ बनाता है और इसके पास ये भी एबिलिटी होती है कि ओल्ड लॉ को रिपील्ड कर सकता है ख़त्म कर सकता है और किस लॉ एग्जिस्टिंग लॉ में किसी तरीके की चेंजेस करनी है या मोडिफिकेशन होती है तो वो कर सकता है ये सिर्फ कैपेबिलिटी सिर्फ लेजिसलेशन के पास ही होती है इवन दो एग्जीक्यूटिव भी डेलीगेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंडर सम लॉ बनाती है एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी भी कहीं ना कहीं जो है रूल फ्रेम कर सकती है वो भी लॉ होते हैं बट उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती है जो लेजिस्लेशन के पास होती है लेजिस्लेशन नए लॉ तो बना ही सकता है साथ के साथ एग्जिस्टिंग लॉ को मॉडिफाई भी कर सकता है ओल्ड लॉ को रिपील भी कर सकता है जो कि प्रेजिडेंट नहीं कर सकता है सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है आपकी लेजिस्लेशन की तो वेरियस इस हैज़ हैज़बिन डिफाइंड द लेजिस्लेशन Uh, सबसे पहले आपके पास सालमंड है लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ द लीगल रूल्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो लेजिस्लेशन एक ऐसा कानून का सत्रोत है जिसके थ्रू जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लीगल रूल की जो है डिक्लेरेशन की जाती है जो लॉ होते हैं जो लीगल रूल्स होते हैं उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको क्या करती है डिक्लेयर करती है बताती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है हमारे पास पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज हैं जो कि लॉ को डिक्लेयर करती है लीगल रूल्स को फ्रेम करती है ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में डेफिनेशन दे रखी है द टर्म इन्वेस्टिगेशन मीन्स द प्रिपेयरिंग एंड इनैक्टिंग ऑफ द लॉ तो लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है लॉ को इक्ट करना और प्रिपेयर करना ही लेजिस्लेशन होता है इसके अलावा लॉ लेक्सन ने भी इसको डिफ़ाइन किया है लेजिस्लेशन मीन्स द एक्ट ऑफ गिविंग और इनेक्टिंग द लॉ लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि ऐसा काम जिसमें कानून को बनाया जाता है इनेक्ट किया जाता है द पावर टू मेक द कानून को बनाया जाता है द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन प्रिपेयरिंग द एंड ऑफ द लॉ ऐसा एक्ट जिसमें लेजिस्लेशन जो है नए लॉ को इक्ट करती है प्रिपेयर करती है द मेकिंग ऑफ़ द लॉ बाय एक्सप्रेस डिक्री और या लॉ को जो है वहाँ पे बनाती है बाय एक्सप्रेस डिग्री मतलब डिग्री देके जो है लॉ को वहाँ पे बनाया जाता है सो so, आपके पास ये डेफिनेशन है जिससे हमें क्लियर पता चलता है कि लेजिस्लेशन एक ऐसा आ, ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू जो है आ, जो अथॉरिटी होती है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जैसे लेजिस्लेशन है वो जो है जब लॉ बनाती है इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ करती है तो उसी उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं लेजिस्लेशन बोलते हैं

बाय द सॉवरन पावर हर एक स्टेट की अपनी एक सोवरन पावर है उसके थ्रू जो लॉ बनाया जाता है उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन बोला जाता है नो अदर पावर ऑफ द स्टेट कैन कंट्रोल इट इन एनी वे नॉर कैन बी मॉडिफाइड चेंज कोई भी पावर स्टेट की इस आ, इस सॉवरन पावर को लॉ बनाने की इस पावर को ना तो चेंज कर सकती है ना ही मॉडिफाइड कर सकती है दिस इज द रीजन वाई इट इज़ कॉल्ड सुप्रीम ऑफ द सॉवरन लजिस्टर इसलिए इसको सुप्रीम या फिर ए, सुप्रीम और सॉवरन लेजिस्लेशन बोला जैसे इंडिया में पार्लियामेंट पार्लियामेंट अपने आप में जो है ये लॉ बनाने की पावर जो है आ, स्टेट की सबनिटी से ले रही है और ये ऐसे लॉ बना सकते हैं ना ही है उनको मॉडिफाइड और चेंज नहीं किया जा सकता उनकी परमिशन के बिना द पार्लियामेंट इज सॉवरन इन ब्रिटेन देर आर नो स्टैचूचरी लिमिटेशन ऑन इट्स पावर तो ब्रिटेन में अगर देखें तो पार्लियामेंट जो है सॉवरन है वो कानून बनाने के लिए सॉवरन है और कोई भी लिमिटेशन उसकी पावर की नहीं है इसी तरह की इंडिया में भी इंडिया की पार्लियामेंट जो अपने आप सॉवरन पावर है उसके पास पूरी पावर है कि वो लॉ बना सकती है तो सुप्रीम लॉ जो कि पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं उस देश की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती उसके जाते है उसके थ्रू बनाया जाती है वो सुप्रीम लॉ सुप्रीम लेजिस्लेशन बोला जाता है इसके अलावा सब ऑर्डिनेशन लेजिशन भी होती है सब ऑर्डिनेट लेजिशन इज लेजिस्लेटिव क्रिएटेड बाय द अथॉरिटी ऑफ पावर अदर देन द सॉवरन पावर सॉवरन पावर ऑफ द स्टेट के अलावा जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर कानून बनाती हैं उनको सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ कानून बोला जाता है इट इज़ क्रिएटेड अंडर द पावर कन्फर्म बाय द सुप्रीम और सॉवरन पावर और ये जो इन सबर्न लाइजिटेशन की पावर जो अथॉरिटीज़ के पास आती है ये सुप्रीम सॉवरन पावर से ही उनको ये पावर मिलती है सॉबरन पावर ही उनको ये पावर देती है कि वो आप लॉ जो है सबॉर्डनेट लॉ जो बना सकते हैं सॉवरन पावर हैज़ अ कम्प्लीट कंट्रोल ऑफ रोड पावर का बहुत सारा कंट्रोल उस पर होता है इवन सबर लजस्टेशन डिराइव इट्स लेजिटेसी एक्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी फ्राम द सुप्रीम इट्स यहाँ तक कि जो अधीनस्थ कानून जो होते हैं ये अपने कानून की जो लिटिटी में सी होती है एग्जिस्टेंस जो होती है इसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन से लेते हैं मैं सुप्रीम लेजिस्लेशन ही उनको ये पावर कन्फर्म करता है कि वो सब लॉ बना सकते हैं तो सुप्रीम लेजिस्लेशन के अलावा बाकी अथॉरिटी जो लॉ बनाती हैं उनको सबोनेट लॉ जो है बोला जाता है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यूनिवर्सिटीज़ बॉडीज रेलवे कंपनीज क्लब कम अंडर दिस तो ये सारे सबोनेट लॉ होते हैं ये जो है अपने -पने, अपने 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 डिपार्टमेंट के लिए लॉ बना सकते हैं इनको देश के सब ऑर्डिनेट लेजिशन बोला जाता है तो ये जो सब ऑर्डिनेशन सब ऑर्डिनेट लेजिशन है ये फाइव टाइप की हो सकती है कॉलोनियल लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जुडिशल लेजिस्लेशन लोकल बॉडी लेजिस्लेशन और ऑटोनोमस लेजिस्लेशन इनको वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन क्या है कॉलोनियल लेजिस्लेशन इज द मोस्ट एंशंट फॉर्म ऑफ द सबर्न लेजिस्लेशन सच कंट्रीज विच हैव नॉट येट बिकम इंडिपेंडेंट आर अंडर एनी अदर कंट्री डू नॉट हैव द दाइस्ट पावर ऑफ लॉ मेकिंग मेकिंगलोनीज ऑल्सो fall अंडर द कैटेगरी ऑफ सिमिलर कंट्रीज़ तो ऐसी कंट्री जो कि अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुई हैं और वो किसी और कंट्री के अधीन है और उनके पास हाइस पावर नहीं है लॉ बनाने की और जो कंट्री उन पर राज कर रही है वो उनको पावर देती है कि वो वहाँ पर सब ऑर्डिनेट कानून बना सकते हैं अधीनस्थ लॉ बना सकते हैं उसको हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन यहाँ पर बोलते हैं द कॉलोनीज फॉर्म लॉ फॉर दैम सेल्फ अंडर द पावर कन्फर्म बाय द सावरन नेशन तो ये जो कॉलोनीज़ जो होती हैं जैसे इंडिया कॉलोनी थी वो आज़ादी से पहले इंडिया को जो है अपने लोकल लॉ बनाने की थोड़ी बहुत पावर थी लेकिन इनको पावर जो है कन्फर्म की जाती है सॉवरन नेशन के थ्रू जैसे ब्रिटेन के थ्रू जो हमें पावर यहाँ पर मिलनी थी इनको हम जो है सब ऑर्डर लॉ जो है बोल सकते हैं इसके अलावा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव जो है ये भी जो है सबर्न लेजिस्लेशन का एक पार्ट है हाउ एवर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज टू कम इम्प्लीमेंट द लॉ क्रिएटेड बाय द स्कॉलर तो आपने देखा होगा एग्जीक्यूटिव तो कोई लॉ नहीं बनाता एग्जीक्यूटिव काम का तो जो लेजिस्लेशन ने जो लॉ बना रखे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होता है लेकिन बट टू द वर्क ऑफ द लॉ मेकिंग इज बिंग डन बाय द वर्किंग काउंसिल इट सेल्फ बट कई बार जो है आजकल लॉ मेकिंग जो है वो एग्जीक्यूटिव भी करती है लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए हुए कानून जो होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़े सारे रूल बनाने पड़ते हैं और रूल भी जो है लॉ का ही पार्ट माने जाते हैं तो उन रूल्स को क्या बोला जाएगा लॉ बोला जाएगा और ये कौन बना रहा है एग्जीक्यूटिव बना रहा है तो इसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बोला जाता है जैसे टूडे द लेजिस्लेशन डज नॉट हैव अ मच टाइम टू कंस्टूट ऑल काइंड ऑफ स्टैट्यूट्स ऑन इट्स ओन आजकल का टाइम ऐसा है कि लेजिस्लेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर तरीके के कानून बना सके इट आउटलाइन सेवरल लॉज एंड लिव्स इट्स एलेंसिस टू द एग्जीक्यूटिव ये बड़े सारे कानून को आउटलाइन कर देता है बना देता है और उसके जो है बाकी उसकी उसकी एनालिसिस के लिए इसको एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देता है इनको सबऑर्डिनेशन लॉ या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं इसके अलावा जुडिशल लेजिस्लेशन द कोर्ट हैज अ पावर टू मेक रूल टू इंश्योर इट्स प्रोसीजर कई बार जो ज्यूडिशरी होती है वो भी कानून बनाती है ज्यूडिशरी जो है वो लॉ जो है वो प्रोसीजर्स से रिलेटेड बना सकती है कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलेगा उससे रिलेटेड जो रूल जुडिशियल बनाती है उसको जुडिशियल लेजिस्लेशन बनाता है वो कानूनी है क्योंकि वो रूल जो है अपने आप में कानून है दिस पावर आर कंसिडर्ड अंडर द सब ऑर्डिनेशियल लेजिस्लेशन और ये पावर जो है उसको सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के अंडर ही मिलती है इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव अ पावर टू मेक रूल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रूल्स फ्रेम कर सकते हैं तो देखिए बेसिकली काम किसका है लेजिस्लेशन का काम होता है विधान पालिका का कानून बनाने का काम होता है लेकिन इंडिया में सब ऑर्डिनेशन लेजिस्लेशन भी होता है मीनस इसके अलावा और भी ऐसे बड़े सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि लॉ बनाते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है जिसमें जुडिशरी भी है और जिसमें कॉलोनर लेजिस्लेशन तो आपने देख लिया लोकल बॉडीज लेजिस्लेशन इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो भी कानून बनाती हैं रूल्स बाय लॉज रेगुलेशन इन रिलेशन टू दियर लोकल सब्जेक्ट आर अपलाईड टू द लोकल बॉडीज़ इन द लोकल जोशन जैसे म्यूंसिपल कॉरपोरेशन भी जो है अपने एरियाज के लिए बड़े सारे रूल्स बाय लॉज रेगुलेशन बनाती हैं म्यूनसिपैलिटीज बनाती हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाती हैं ये भी तो रूल कहीं ना कहीं लॉ ही तो है और ये कौन बना रहा है सुप्रीम पार्लियामेंट तो बना नहीं रही ये सब ऑर्डिनेशन एलेक्शन के अंडर वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है वही बना रही है तो उनको भी लॉ बनाने का राइट होता है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन इसके अलावा वेन अ बॉडी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज इम्पावर्ड बाई द सवन पावर टू मेक लॉफर दैम सेल्फ जब किसी बॉडी को या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को किसी कॉरपोरेशन को किसी क्लब को किसी यूनिवर्सिटीज़ को किसी रेलवे डिपार्टमेंट को रेलवे कंपनीज को जो है उनको जो है सॉबन पावर के थ्रू मतलब पार्लियामेंट के थ्रू ये राइट right मिलता है कि वो अपने लिए लॉ बना सकते हैं तो उनको हम ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस लेजिस्लेशन सच बॉडीज़ क्रिएट द लॉ फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन ये जो बॉडीज़ होती हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने लिए लॉ खुद बनाती हैं आपने देखा होगा एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और तरीके से होगा दूसरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और होगा इट मीनस कि हर एक यूनिवर्सिटी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुद रूल या लॉ बनाने का राइट right होता है इसी को हम ऑटोनॉमस लेजिस्टेशन बोलते हैं इसी तरीके से रेलवे को भी ये राइट right है कि वो अपने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी रूल या लॉ बना सकता है और ये सबऑर्डिनेशन लेजिस्टेशन में आता है तो ऑटोनॉमस लेजिस्टेशन आपके पास नेक्स्ट आपके पास यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन तो लेजिस्लेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी यूटिलिटी क्यों है क्यों इसकी यूटिलिटी जो है प्रेसिडेंट से ज़्यादा है इसको हमने पढ़ना है यहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ना है कि लेजिस्लेटिव एंड प्रेसिडेंट दोनों ही क्या है लॉ है अपने आप में प्रेसिडेंट क्या होते हैं यू नो वेरी वेल कि हा हायर जुडिशरी के जो डिसीज़न होते हैं वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होते हैं तो वो एक किस्म का लॉ का, का काम कर रहे हैं उसी तरीके से लेजिस्लेटिव तो देश के लिए कानून बनाता ही बनाता है तो दोनों ही लॉ हैं लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है ये आपने पढ़ना है सबसे पहले फॉर्मलेस पावर्स लेजिस्लेशन इज़ अ फुल ऑफ फॉर्मलेस पावर तो लेजिस्टर के पास सारी पावर है कानून बनाने की सबसे बड़ी पावर जो है वो लेजिस्लेशन के पास है लेजिस्लेटर नॉट ओनली हैव अ पावर ऑफ लॉ मेकिंग बट इट ऑल्सो हैज एबिलिटी टू रिपील द एग्जिटिंग लॉ एंड मेक चेंज एडिशन और मॉडिफिकेशन टू लेजिशन के पास सिर्फ कानून बनाने की ही पावर नहीं होती है उसको रिपील करने की पावर भी होती है एग्जिटिंग लॉ को उसी एग्जिटिंग लॉ को चेंज एडिशन और मॉडिफिकेशन करने की पावर होती है लेकिन प्रेजिडेंट डज़ नॉट हैव सच एबिलिटी एंड पावर लेकिन प्रेजिडेंट के पास ऐसी पावर नहीं होती प्रेजिडेंट वो ही रहते हैं वो चेंज नहीं होते हैं बस छोटी कोर्ट्स को वो फॉलो करने पड़ते हैं तो इसलिए जो है लेजिस्लेशन की यूटिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाती है आपने बताना है कि प्रेजिडेंट जो प्रेजिदेंट जो है वो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं और लेजिस्लेशन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दूसरा पावर टू मेक रूल लेजिस्लेशन डू नॉट ओनली बिल्ड द लॉ ऑन करंट सब्जेक्ट बट दे ऑल्सो हैव अ पावर टू क्रिएट द लॉ टू सॉल्व फ्यूचर प्रॉब्लम हैज इट हैज सेट द स्टैट्यूट कैन ले डाउन लॉ बिफोर द हैंड लेजिस्लेशन हैज़ एबिलिटी टू रिमूव द फ्लॉज एंड एग्जिस्टिंग लॉ इमीजिएटली बट नॉट प्रेजिडेंट तो इसको भी यही बोला गया कि लेजिस्लेशन के पास जो है रूल बनाने की पावर है एग्जिस्टिंग लॉ को इमीजिएटली जो है रिमूव करने की पावर है लेकिन प्रेजिडेंट के पास नहीं होती प्रेजिडेंट एक बार बन जाता है मैंने सच केस या डिस्प्यूट कम्स अराइज तो प्रेजिडेंट वैसा का वैसे रहता है वो चेंज नहीं होता है आपको पता है उस कोर्ट को छोटी कोर्ट को वो उसी सेंस में यूज़ करना पड़ता है तो प्रेजिडेंट जनरली चेंज नहीं होता है उसके पास जो है किसी भी कोर्ट के पास प्रेसिडेंट को चेंज करने की पावर नहीं होती है लेकिन लॉ लेजिस्लेशन के पास किसी भी लॉ को चेंज करने की पावर होती है अगर एफिशिएंसी की बात करें कुशलता की बात करें तो भी लेजिस्लेशन बेटर ही रहेगा द थर्ड रीजन फॉर द यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन इज इट्स एफिशिएंसी इसकी कार्य जो है ज़्यादा है द स्टेट हैज़ थ्री पार्ट्स द लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशी यू नो वेरी वेल स्टेट के या गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं कार्यपालिका विधानपालिका एंड न्यायपालिका लेजिस्लेशन इज़ क्रिएटेड एंड एग्जीक्यूटिड इन हारमनी विद द बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस जो है वो हारमनी क्रिएट करती है किसके बीच में लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में वाइल द जुडिशी ओनली मेक्स एंड एग्जीक्यूट द प्रेसिडेंट लेकिन जो जुडिशरी जो है वो क्या करती है उस प्रेसिडेंट को सिर्फ क्या करती है एग्जीक्यूट करती है प्रेसिडेंट को बनाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है दिस इज द रीजन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द लेजिशन मोर देन द प्रेसिडेंट कार्यक्षमता भी जो है वो लेजिसलेशन की ज़्यादा है प्रेजिडेंट से क्योंकि लेजिसलेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के साथ मिल के काम करती है बट जुडिशरी जो है वो सिर्फ प्रेजिडेंट को क्या करती है एग्जीक्यूट करती है तो लेजिस्लेशन की जो है वो कार्यकुशलता कुशलता यहाँ पर ज्यादा है इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ द लेजिस्लेशन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इट इज बिलीव दैट बिफोर अप्लाइंग एनी लॉ इट इज इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द पब्लिक तो जब भी कोई नई लेजिस्लेशन की जाती है कोई कानून बनाया जाता है तो ये माना जाता है ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट है कि उस लॉ को लोगों के नॉलेज में लाया जाए दिस वर्क इज डन बाय द प्रायर पब्लिकेशन ऑफ द प्रपोज लॉ ये कैसे किया जाता है लॉ को बनाने से प्रपोज लॉ जो होता है जो बनाना है उसकी पहले पब्लिकेशन की जाती है दिस इज द पावर ऑफ दजस्लेशन के ही पास ये पावर होती है द लेजिस्चर पब्लिश एनी लॉ बिफोर इट एंड मीड्स अमेंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ तो लजस्लेशन के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी प्रपोज्ड uh, लॉ की क्या कर सकती है पब्लिकेशन कर सकती है बिफोर मेकिंग इट और एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज भी कर सकती है सो दैट द पब्लिक कैन अवेयर ऑफ इट एंड इन दिस रिगार्ड दे कैन कन्वे हिज ओपिनियन ऑन द लेजिस्टेशन सो लोगों को पता चल सके और वो अपनी ओपिनियन उस लेजिस्ेशन के रिगार्डिंग जो कन्वे कर सके दिस द डज नॉट हैपन इन द प्रेजेंट लेकिन ये प्रेजिडेंट में जो है नहीं होता है द प्रजिडेंट इज़ नीदर पब्लिश नॉर इट्स कंसिडर्ड फॉर द पब्लिक ओपिनियन तो प्रेजिडेंट जो है वो कभी भी पब्लिक ओपिनियन के लिए जो है पब्लिश नहीं किए जाते हैं आपने नहीं देखा होगा कभी भी प्रेजिडेंट जो होते हैं वो लोगों की ओपिनियन वो जज अपना डिसीजन देता है जुडिशियर अपना डिसीजन देता है और हमें मानने पड़ते हैं उस पर लोगों की ओपिनियन कोई नहीं होती लेकिन जब आप एक लॉ बनाते हैं तो उस लॉ को बनाने से पहले जब आप लोगों को उस लॉ के बारे में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू पब्लिकेशन तो लोगों की ओपिनियन वहाँ पर बनती है इस मैटर में भी देखें तो प्रेजिडेंट से बेटर जो है लेजिस्लेशन है ऑब्जेक्ट द मेन पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू फॉर्म द लॉ वाई द लॉ आर इंप्लीमेंटेड बाय द प्रेजिडेंट एंड फॉर्म टाइम टू टाइम तो लॉ मेन पर्पस क्या है लेजिस्लेशन का लॉ को बनाना है बट लॉ की इंप्लीमेंटेशन जो है वो प्रेसिडेंट करता है उसको इंटरप्रेट करना जो है वो कोर्ट का, का काम होता है सर्टनिटी सिम्पलिसिटी एंड क्लैरिटी द फाइनल रीजन फॉर यूटिलिटी लेजिस्लेशन इज कम्पेयर टू द प्रेजिडेंट इज टू डेफिनेट सिंपल एंड क्लियर कंसाइस एंड अनबिग्यूज तो यहाँ पर फ़ाइनल रीज़न जो है आपके यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन का वो यही है कि अगर प्रेसिडेंट से वो उसको क्लियर करें तो लेजिस्लेशन हमेशा डेफिनेट होता है सिंपल होता है क्लियर होता है कंसाइज होता है अनएम्बिग्यूस होता है बट ऑल दीज थिंग्स डू नॉट हैपन द प्रेसिडेंट लेकिन ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट में नहीं होती प्रेसिडेंट में जो डिसीजन दिया होता है जिसको हम एज ए लॉ मानते हैं वो हमेशा कॉम्प्लिकेट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस होता है वो कंसाइज नहीं होता अनएम्बिग्यूस भी हो सकता है टू फाइंड अ प्रेजिडेंट टू फाइंड रेशियोड डिसाइडेंडी वन हैजू स्टडी ऑल द सर्कमस्टांस दूर अगर प्रेजिडेंट को जो है वो आपको स्टडी करना है तो उस केस के पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा तो ये है आपके पास लेजिस्लेशन लेजिसलेशन क्या होती है वो कितने टाइप की हो सकती है और कैसे जो लेजिलेशन जो है उसकी यूटिलिटी जो है वो प्रेजिडेंट से ज़्यादा है ये आपने इस क्वेश्चन में समझा थैंक यू सो मच